कोरोना काल में भी चीन ने तेजी से बढ़ाई सैन्य ताकत। खतरनाक इरादों के साथ आगे बढ़ रहा ड्रैगन। दोस्तों, एक ओर जहां पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से कराह रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन तेजी से अपनी सेनाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीनी नौसेना के 72वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 नए युद्ध पोतों को कमीशन किया है। इसमें एक टाइप 094 परमाणु शक्ति से चलने वाली और बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी है, तो दूसरा टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और तीसरा टाइप 075 एम्फीबियस अटैक शिप है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इन 3 जहाजों के संयुक्त विस्थापन कई देशों की संपूर्ण नेवीज के कुल विस्थापन से भी बड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए नेवी के युद्ध पोतों के कमीशन सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये समारोह साउथ चाइना के हेनान प्रांत में स्थित सान्या नेवल बेस पर आयोजित किया गया। इसमें एम्फीबियस अटैक शिप, 1200 सैनिकों और दर्जन भर हेलीकॉप्टर्स के साथ दुश्मन के समुद्री किनारों पर हमला करने में सक्षम है, तो वहीं परमाणु पनडुब्बी अपने साथ 36 बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर कई महीने समुद्र के भीतर छिपी रह सकती है। वहीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में भी कई घातक मिसाइलें लगी हुई हैं जो जमीन और आसमान में कहर बरपा सकती हैं। बेहद घातक है टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत बता रही है। इस युद्धपोत की लंबाई 180 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 20 मीटर है। इस युद्धपोत का फुल लोड डिस्प्लेसमेंट करीब 13,000 टन है। दोस्तों, ये युद्धपोत कितना खतरनाक है अगर इसे हम अमेरिकी नौसेना के टिकोगरोगा क्लास क्रूजर और फ्लाइट 3 आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट करीब 9,800 टन ही है, जबकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी में शामिल किया गया टाइप 45 क्लास के युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट करीब 8,500 टन है। इस युद्धपोत में 130 मिलीमीटर की SPJ-38 मैन गन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 112 की संख्या में वर्टिकल लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइलें हैं। इन दोनों हथियारों के अलावा इस जहाज पर SPJ-11 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा है, जो 10,000 राउंड प्रति टन की दर से फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा इस पोत पर कम दूरी तक मार करने वाली HQ-10 मिसाइलें और टॉर्पेडो भी तैनात हैं। इसमें पनडुब्बियों को खत्म करने वाले डिकॉय लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। साल 2025 तक बेहद आक्रामक हो जाएगी चीनी नौसेना। दोस्तों, यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक साल 2015 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेड़े में 250 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 के आते आते चीनी नौसेना के पास कुल बैटल फोर्स शिप की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई, जो अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60 की संख्या में ज्यादा हैं। ONI ने भविष्यवाणी की है कि आज से 4 साल बाद यानी 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने के बाद चीन की भूख शांत नहीं हुई है। मौजूदा दौर में वो आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट करियर, लड़ाकू विमान, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, बैलिस्टिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, कोस्टल गार्ड के लिए कई आधुनिक पेट्रोल वेसल और पोलर आइस ब्रेकर शिप का निर्माण खतरनाक गति से कर रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, जिससे इसकी मौजूदगी दुनिया के हर कोने में हो जाएगी।